नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ए टू जेड स्पीड न्यूज़ में। दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति के होस्ट अमिताभ बच्चन कंटेस्टेंट के साथ मज़ेदार बातचीत करते हैं। इस बार केबीसी 13 में हिस्सा लेने आई एक प्रतिभागी ने बिग बी को बताया कि उन्हें ऐश्वर्या राय से जलन होती है। कंटेस्टेंट दिव्या ने इसकी वजह भी बताई। इतना ही नहीं, कंटेस्टेंट ने उनसे ये भी कहा कि वह खुद एक्ट्रेस बन सकती है क्योंकि वह कई हीरोइनों से अच्छी दिखती है। सोनी टीवी ऑफिशियल ने केबीसी का एक नया प्रमो रिलीज किया है। इस प्रमो में कंटेस्टेंट दिव्या सहाय और होस्ट अमिताभ बच्चन के बीच मज़ेदार बातचीत सामने आई है। बिग बी ने दिव्या से पूछते हैं, फिल्में वगैरह देखने का समय मिलता है? इस पर वह जवाब देती है, फिल्में ही देखती हूँ मैं। इस पर अमिताभ बच्चन कहते हैं, अरे वाह, आपके मुँह में घी, शक्कर, लड्डू, पेड़ा, सब कुछ। फिर दिव्या कहती है, एक बात है, मुझे आपकी बहू रानी से बहुत जलन होती है। 100 साल में कोई लड़की इतनी खूबसूरत पैदा हुई है। इस पर अमिताभ बच्चन उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद दिव्या कहती है, लेकिन बाकी हीरोइने से बेहतर तो मैं ही दिखती हूँ, मैं क्यों नहीं हीरोइन बन सकती। दिव्या की बात पर अमिताभ बच्चन जवाब देते हैं, क्या पता देवी जी, आज के बाद हो जाए कुछ ऐसा तो। इस पर दिव्या अमिताभ बच्चन के शब्द दोहरा देती है, अब आपके मुँह में घी, शक्कर, पेड़ा, लड्डू, सब कुछ। बिग बी भी उनका जवाब सुनकर जोर से हंस पड़ते हैं। ऐश्वर्या राय के फैंस वीडियो पर कमेंट करके कंटेस्टेंट दिव्या की बात का समर्थन कर रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में ऐश्वर्या ने पेरिस फैशन वीक 2021 में हिस्सा लिया था, जहां उन्होंने अपनी खूबसूरत अदाओं से हर किसी को दीवाना बना दिया था। एक्ट्रेस की फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही थी। उन्होंने इस मौके पर सफ़ेद ड्रेस का चुनाव किया था। ऐश्वर्या के साथ उनके पति और बेटी आराध्या भी थी, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए ए टू जेड स्पीड न्यूज़। धन्यवाद।